टोटल जो हमारा फ़ोन हमें पड़ने वाला है 39,620.85 रुपये का पड़ने वाला है। ईएमआई जो हमारी पर मंथ आएगी 3,301.74 रुपये गुणा कर देंगे आप। देखिए यहाँ पे गुणा अगर करेंगे 12 से तो ये टोटल आपका 39,600 रुपये आएगा। योर सेविंग हो जाएगी यहाँ पे 40,000 रुपये की। और अमेज़ोन पे लेटर ईएमआई 3,301.12 रुपये यहाँ पे ये सब टोटल आपको दिखा देगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस योर ऑर्डर करेंगे आप। अब देखिए यहाँ पे मैंने प्लस योर ऑर्डर किया, उसके बाद यहाँ पे अगला पेज आ जाएगा। यहाँ पे हमसे ये मांगेंगे ऑटो पे यूपीआई की कोई भी आईडी। अब देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन हमें पूरे करने हैं। यहाँ सबसे पहले हमें देना है यूपीआई आईडी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अमेज़ोन को ओपन कर रखा है। अब देखिए यहाँ पे दिखेगा आपको अमेज़ोन का इंटरफेस। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपने अपना अमेज़ोन पे लेटर एक्टिवेट कर रखा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अमेज़ोन पे लेटर से ईएमआई पे कोई भी प्रोडक्ट लेना है, चाहे मोबाइल हो या फिर टीवी हो, कूलर हो, वॉशिंग मशीन हो, फ्रिज हो, यहाँ तक कि अगर आप क्लॉथ यानी कपड़े लेना चाहते हैं और फ्रेंड्स आप वो भी यहाँ पर ईएमआई पर ले सकते हैं। छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट यहाँ पे दे के सारी पेमेंट कर सकते हैं और फ्रेंड्स यहाँ पर आप बहुत कुछ पे लेटर से ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही बात होगी, आप अमेज़ोन के पे लेटर से कोई भी मोबाइल या कोई भी सामान ईएमआई पर कैसे ले सकते हैं, यानी कि किस्तों में कैसे ले सकते हैं। तो वीडियो को भी लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर हमेशा मिलेंगे। वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो यहाँ से हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों यह है अमेज़ोन। अमेज़ोन को मैंने यहाँ ओपन किया और फ्रेंड्स यहाँ पे अमेज़ोन का इंटरफेस दिख जाएगा। अगर आपने अमेज़ोन पे लेटर यहाँ पे एक्टिवेट नहीं कर रखा है, मैंने उस पर एक वीडियो बना रखा है मेरे चैनल पे, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपने अमेज़ोन का पे लेटर एक्टिवेट कर रखा है तो कोई भी फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज या जो भी आपका मन कर रहा है यहाँ से ईएमआई पर ले सकते हैं। यहाँ पे करना क्या होगा, बस यहाँ पे फ्रेंड्स आपका अमेज़ोन पे लेटर एक्टिवेट होना चाहिए, ईएमआई उसी में कटेगी। फ्रेंड्स आप कोई भी प्रोडक्ट लेंगे अमेज़ोन पे लेटर से लेंगे, ईएमआई हर मंथ की 5 तारीख को आपकी आपके अकाउंट से यहाँ कटने लगेगी। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक मोबाइल लेकर दिखाता हूँ और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कोई भी एक मोबाइल सर्च कर लेता हूँ तो मैं सैमसंग गैलेक्सी S21 एफ ई यहाँ पे आ गया है 5G, इसको ही सर्च करता हूँ। सबसे पहले आपको देख लेना है, देखिए ये 8G 256 GB में और ये 128 में है, तो मैं 256 वाले का ऑर्डर यहाँ करके देखता हूँ। देखिए ये है, यहाँ पे आ गया है। देखिए इसका प्राइस है 34,917 रुपये और मंथली ईएमआई जो जाएगी 3,302 रुपये जाएगी 12 महीने तक। यहाँ पे देखिए ईएमआई और प्राइस अलग अलग दिखाते हैं। अब यहाँ पे पूरी डिटेल यहाँ आपको अगर अपने फ़ोन की लेनी है तो यहाँ नीचे जाकर आप देख सकते हैं इसकी पूरे यहाँ पे फीचर वगैरह, कैमरा वगैरह, प्रोसेसर वगैरह यहाँ सब कुछ नीचे दिख जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर मैं जल्दी जल्दी यहाँ आपको दिखाऊं तो यहाँ आपको करना है बाय नाउ पे क्लिक। देखिए ये यहाँ पे है 34,917 रुपये, यहाँ पे आपको पे करने होंगे ईएमआई में। नो कॉस्ट ईएमआई में अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे 5,819 रुपये ऑफ़र के साथ मिल जाएगा और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कर देना है बाय नाउ पे क्लिक। बाय नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ प्रोसेस होगा और यहाँ अगला पेज ओपन हो जाएगा। अगले पेज में यहाँ आपसे पूछा जाएगा अमेज़ोन पे बैलेंस में आपका कुछ है या नहीं है, यहाँ पे आपको टिक रहा मिलेगा। यहाँ पे स्टेट बैंक पे देखिए, तो मैं यहाँ से नहीं लूँगा, अमेज़ोन पे UPI से भी नहीं लूँगा, अमेज़ोन पे UPI से नहीं लूँगा, गूगल पे अदर UPI से भी नहीं लूँगा, मुझे यहाँ EMI पे लेना है अमेज़ोन पे लेटर से। अब देखिए यहाँ पे आ गया है बजाज, फिनसर्व, इससे भी नहीं लूँगा, क्रेडिट कार्ड से EMI बना सकता हूँ। यहाँ पे मिलेगा फ्रेंड्स अमेज़ोन पे लेटर, इस पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे अमेज़ोन पे लेटर में 40,447 रुपये अभी बकाया है मेरे और यहाँ पर मुझे EMI देखिए जो देनी है वो 4,289 रुपये देनी है, लेकिन मैं फ्रेंड्स इसको चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे क्लिक करके।
ये देखिए ये 9 महीने की EMI दिखा रहे हैं, 4,278 रुपये, लेकिन मैं यहाँ पे 3,000 दे सकता हूँ, 3,302 रुपये। और इस पे इंटरेस्ट देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं 4,704 रुपये लगेगा, 39,621 रुपये का ये फ़ोन मुझे पड़ेगा। अब देखिए EMI प्लान यहाँ पे 12 महीने का है और 9 महीने का है, तो मैंने यहाँ 12 महीने पर सेलेक्ट करके चूज़ EMI प्लान पर क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हमारा आ जाएगा इस तरह का पेज, इस पर करना है आपको कंटिन्यू। अब कंटिन्यू करेंगे तो आपके फ़ोन की पूरी डिटेल, आप क्या ऑर्डर कर रहे हैं यहाँ पे ध्यान से देख लेना फ्रेंड्स। यहाँ पे आइटम है 34,917 रुपये का, डिलीवरी 00 है, कोई चार्ज नहीं है। ऑर्डर टोटल यहाँ पे 34,917 रुपये का हम कर रहे हैं। इंटरेस्ट यहाँ पे हमें देना पड़ रहा है, यानी कि ब्याज देना पड़ रहा है 4,703 रुपये 85 पैसे का। टोटल जो हमारा फ़ोन हमें पड़ने वाला है 39,620 रुपये 85 पैसे का पड़ने वाला है। EMI जो हमारी पर मंथ आएगी 3,301 रुपये 74 पैसे, गुणा कर देंगे आप, देखिए यहाँ पे गुणा अगर करेंगे 12 से तो ये टोटल आपका 39,600 रुपये आएगा। योर सेविंग हो जाएगी यहाँ पे 40,000 रुपये की। और अमेज़ोन पे लेटर EMI 3,301 रुपये 12 मंथ, यहाँ पे ये सब टोटल आपको दिखा देगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस योर ऑर्डर करेंगे आप, अब देखिए यहाँ पे मैंने प्लस योर ऑर्डर किया, उसके बाद यहाँ पे अगला पेज आ जाएगा। यहाँ पे हमसे ये मांगेंगे ऑटो पे UPI की कोई भी ID। अब देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन हमें पूरे करने हैं। यहाँ सबसे पहले हमें देना है UPI ID, तो हमें यहाँ से गूगल पे में जाना है और गूगल पे से फ्रेंड्स यहाँ पर हमें कर लेनी है UPI ID, यहाँ पर हमें ले लेनी है, यानी कि UPI ID हम यहाँ से ले लेंगे। इसको यहाँ से कॉपी करके फ्रेंड्स आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आपको दे देनी है अपनी UPI ID। अब देखिए मैं यहाँ पे UPI ID नहीं दूंगा UPI ID, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे ऑर्डर नहीं करना है। UPI ID यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, यहाँ से वेरीफाई करेंगे, यहाँ पे ये ग्रीन कलर का हो जाएगा और राइट क्लिक लग जाएगा, यहाँ से आप प्रोसेड करेंगे तो फ्रेंड्स आपका जो ऑटो पे है वो यहाँ पे सेटअप हो जाएगा। गूगल पे से आपका हर महीने आपकी EMI पे लेटर की कटने लगेगी हर 5 तारीख को। और फ्रेंड्स अगर आप 5 तारीख को पैसे नहीं दे पाते हैं तो आपको 400 से 800 रुपये के बीच में पर डे का फाइन भी लग सकता है। यहाँ पे फ्रेंड्स 5 तारीख को आपको पेमेंट हर हालत में करनी ही होगी। वीडियो यहीं तक था, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।